राज्य विद्युत बोर्ड कर्मचारी यूनियन हमीरपुर का अधिवेशन अनु में प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप खरवाड़ा की अध्यक्षता में हुआ। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड में तकनीकी कर्मचारियों की कमी है, इस वजह से विद्युत लाइनों के कार्य के दौरान दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। कमर्शियल स्टाफ की कमी के कारण बोर्ड में राजस्व उगाही में कमी आई है। वर्ष 1988 के दौरान बिजली बोर्ड में कर्मचारियों की संख्या का आंकड़ा 43,000 से आज 18,500 के करीब रह गया है। विद्युत बोर्ड के उपभोक्ताओं, विद्युत लाइनों तथा ट्रांसफार्मरों की संख्या में भी कई गुना बढ़ोतरी हुई है। बोर्ड में कमर्शियल स्टाफ की कमी के कारण प्रदेश के कई क्षेत्रों में 8 व 10 माह के बाद भी उपभोक्ताओं को बिलिंग हो रही है। उन्होंने प्रबंधन वर्ग से बिजली बोर्ड में विभिन्न श्रेणियों के पदों को तुरंत भरने व बोर्ड में नए पदों को सृजित करने की मांग उठाई है। 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके विभिन्न श्रेणियों पर कार्य कर रहे अनुबंध कर्मचारियों को शीघ्र नियमित किया जाए। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए प्रदेश सरकार ठोस नीति बनाए, इस परख के लिए स्थायी नीति का होना आवश्यक है। और यूनिट का सम्मेलन हमने रखा है। इस सम्मेलन का मुख्य मकसद है कि कमेटी पिछले 3.5 साल से काम कर रही थी, उस कमेटी को भंग करके नई कमेटी का चुनाव किया गया है। इसके साथ साथ आज के संदर्भ में बिजली बोर्ड के अंदर ज्वलंत मांगे हैं, जो मुद्दे हैं, उसमें मैं कहना चाहूँगा कि बिजली बोर्ड में स्टाफ की भारी भरकम कमी जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा बिजली बोर्ड के अंदर है। पिछले 5 साल के अंतराल में बिजली बोर्ड में करीब 6,000 लोग रिटायर हुए हैं, जबकि रिक्रूटमेंट 3700 लोगों का डिफरेंट कैटेगरीज में हुआ है। रिक्रूटमेंट और रिटायरमेंट के बीच में एक बहुत बड़ा गैप आ रहा है और सालाना 1,000 से ज़्यादा लोग जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज के रिटायर हो रहे हैं। अनुबंध कर्मचारियों का और दैनिक वेतन भोगियों का कार्यकाल 31 मार्च 2018 को पूरा हो चुका है। अप्रैल महीने में इन सब साथियों के जो नियमितीकरण के ऑर्डर हैं बिजली बोर्ड जारी करे। इसके साथ साथ जो अनुबंध के ऊपर कर्मचारी काम कर रहे हैं, हिमाचल सरकार ने अप्रैल 2017 से 50% ग्रेड पे में हाइक की है, लेकिन बिजली बोर्ड में अपने अनुबंध कर्मचारियों को अक्टूबर 2018 से ये ग्रेड पे दी है। 6 महीने की जो बकाया राशि है वो इन कर्मचारियों को नहीं दी गई है। हम हिमाचल सरकार से और बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट से भी कहना चाहते हैं कि लो पेड कर्मचारी इनके साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। इनका 6 महीने का बकाया बनता है और इसकी अदायगी इनको की जानी चाहिए करेगी। अगर कर्मचारियों के मुद्दों के ऊपर ढल मोल की कोई नीति अख्तियार होती है तो यूनियन संघर्ष से बुरे से नहीं करेगी। मैं हम ये कहना चाहेंगे कि आज बिजली बोर्ड के अंदर बिजली बोर्ड की इस व्यवस्था को चलाने में इस आउटसोर्स के कर्मचारियों का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आज प्रदेश के अंदर करीब 2,500 जो आउटसोर्स कर्मचारी है डिफरेंट कैटेगरीज में फील्ड के अंदर ऑफिस के अंदर काम कर रहा है। हम हिमाचल सरकार से कहना चाहेंगे कि इन कर्मचारियों के विषय को ध्यान में रखते हुए कोई स्थायी नीति बनाई जाए जिससे बिजली बोर्ड का हिस्सा बन सके और इनका जो नियमितीकरण का जो रास्ता है वो तैयार हो सके, ऐसी नीति हिमाचल सरकार बनाए, ये हम कहना चाहेंगे।